हेलो स्टूडेंट एंड स्टूडेज आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन क्वेश्चन आंसर्स ऑफ क्लास सेवन इंग्लिश लेसन वट इज़ यर वाटर फुड प्रिंट इन माई प्रीवियस वीडियो एक्सप्लेन दिस लेसन एंड वे लर्न इन हिंदी एंड आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन क्वेश्चन आंसर्स आई होप यू विलक दिस वीडियो सो लेट स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर वन वट इज़ द वाटर फुट प्रिंट ऑफ एन इंडिविजुअल एक व्यक्ति का जो जल पर जन है वो क्या होता है वाटर फुटप्रिंट ऑफ एन इंडिविजुअल इज द अमाउंट ऑफ वाटर ही शी यूजेज़ इन एंड अराउंड हिज अर होम स्कूल और ऑफिस आउट द डे एक निजी तौर पर एक व्यक्ति का जो जल पद चिन्ह है वो उस मात्रा को कहा जाता है जो वह यूज़ करता है पूरे दिन में अपने ऑफिस में अपने घर में या जैसे अगर बच्चा स्कूल जाता है वो वहाँ कितना पानी यूज़ करता है या कोई ऑफिस में रहता है वो पूरे दिन कितना पानी इस्तेमाल करता है उसे एक निजी व्यक्ति का एक व्यक्ति का जलपद चिन्ह कहा जाता है वॉट डज अ वाटर फुटप्रिंट हेल्प अस टू अंडरस्टैंड जो जल पद चिन्ह है वो हमें किस तरह से मदद करता है अ वाटर फुटप्रिंट हेल्प टू अंडरस्टैंड द अमाउंट ऑफ वाटर बींग यूज एट एन इंडिविजुअल लेवल ऑल द वे टू अ नेशनल लेवल एंड इन अ अमरस प्रोसेस इन्वॉल्व इन मैनुफैक्चरिंग एंड प्रोड्यूसिंग अवर गुड्स एंड सर्विसेज जो पद चिन्ह है वो हमें मदद करता है उस मात्रा को जानने में कि एक व्यक्ति को कितना पानी इस्तेमाल करना चाहिए राष्ट्रीय तौर पर कितना इस्तेमाल करना चाहिए और जो कंपनियां हैं जो गुड्स जो सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं जो चीज़ों का उत्पादन करती हैं वस्तुओं का उन्हें कितना पानी इस्तेमाल करना चाहिए व हाउ इज़ एन एक्यूरेट वाटर फुटप्रिंट हेल्पफुल टू अस एक जो सही जल पत् है वो कैसे हमारे लिए सहायक होता है एन एक्ूरेट वाटर फुटप्रिंट गिव्स अ सॉलिड वाटर अकाउंटिंग फ्रेमवर्क एंड हेल्प्स अस टू बी मोर एफिशिएंट एंड कंजर्वेटिव विद अवर वाटर यूज़ जो एक सही जल पत्जिन है वो हमें एक तरह से लेखांकन देता है एक ढांचा देता है जल का कि किस तरह से हम अपने पानी के इस्तेमाल में ज़्यादा बचत कर सकते हैं और ज़्यादा ईमानदारी से उसे इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि पानी बचे एक्सप्लेन ब्रीफली द डेफिनेशन ऑफ द कॉरपोरेट वाटर फुटप्रिंट जो निगमित जल पद चिन्ह है उसे इसमें इसकी व्याख्या करनी है द कॉरपोरेट वाटर फुटप्रिंट प्रिंट इज़ डिफाइंड एज द टोटल डी वॉल्यूम ऑफ फ्रेश वाटर दैट इज़ यूज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रन एंड सपोर्ट अ बिजनेस जो निगमित जलपद चिन्ह है उसे इस तरह से परिभाषित किया जाता है जो साफ पानी है वो सीधे तौर पर या किसी भी तरह से एक व्यवसाय को चलाने में इस्तेमाल किया जाता है मैंशन द थ्री कॉम्पोनेंट्स ऑफ वाटर फुटप्रिंट जल पद चिन्ह के जो तीन भाग हैं वो बताने हैं द थ्री कॉम्पोनेट्स ऑफ वाटर फुटप्रिंट और पद चिन्ह के जो तीन संयोजक हैं भाग हैं वो इस तरह से हैं फर्स्ट है ब्लू वाटर नीला पानी इट फर्स्ट टू द अमाउंट ऑफ सर्फेस एंड ग्राउंड वाटर यूज टू प्रोड्यूस प्रोडक्ट्स जो पानी इस तह से लिया जाता है चीज़ों के उत्पादन में इसमें उस पानी को हम गिनते हैं इट रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ रेन वाटर वेपोरेटेड फ्रॉम द सॉयल सेकेंड जो आता है उसमें वो पानी लिया जाता है जो बारिश का पानी मिट्टी सोख लेती है नाउ थर्ड ग्रे वाटर इट रेफर्स टू द वॉल्यूम ऑफ वाटर रिक्वायर टू रिमूव द पोल्यूटेंट्स फ्राम यूज वाटर जो इस्तेमाल किया गया पानी है उसमें से जो प्रदूषक तत्व है उनको निकालने के लिए जो पानी इस्तेमाल किया जाता है उसे ग्रे वाटर कहा जाता है हाउ कैन डायरेक्ट वाटर फुट प्रिंट भी रिड्यूज जो डायरेक्ट वाटर फुट प्रिंट है उसे कैसे कम कर सकते हैं डायरेक्ट वाटर फुट प्रिंट कैन भी रिड्यूज बाई फॉलोइंग मेथड्स उसे इस तरीकों से कम किया जा सकता है इंस्टॉल वाटर सेविंग टॉयलेट्स एंड शावर्स क्लोज अ टैब आयल ब्रशिंग योर टीथ एंड एंड शेविंग यूज़ रिसाइकल वाटर इन द गार्डन हारवेस्टेन वाटर एंड यूज़ इट फॉर रिचार्जिंग ग्राउंड वाटर उसे कम कर सकते हैं अगर ऐसे नल लगाए जाएँ जिनसे पानी बचता हो और नल को बंद करके रखा जाए जब आप ब्रश करें शेविंग का काम करें और जो बगीचा है उसमें रिसाइकल वाटर को यूज़ किया जाए जो पुनर्चक्रण होता है जल का जिससे उसे दोबारा यूज़ कर सकते हैं और बारिश के पानी को बचाया जाए और उससे जो सतह का पानी है ग्राउंड वाटर है उसको उससे रिचार्ज किया जाए इंडायरेक्ट वाटर फुटप्रिंट रिक्वायर्स मोर अवेयरनेस फॉर इट्स रिडक्शन गिव रीज़न जो इंडायरेक्ट वाटर फुटप्रिंट है वो उसको कम करने के लिए ज़्यादा जागरूक होने की ज़रूरत है इसके कारण बताइए येस इनडायरेक्ट वाटर रिक्वायर्स मोर अवेयरनेस फॉर इट्स रिडक्शन वी शुड बाय प्रोडक्ट दैटाव कंपेरेटिवली लेसर वाटर फुटप्रिंट इसके लिए हमें उन चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए ऐसी वस्तुएँ खरीदनी चाहिए जिन्हें बनाने में कम पानी खर्च होता है या कम पानी बर्बाद होता है हा विल द फंडिंग्स ऑफ द आई एस ओ हेल्प अ कंट्री जो आई एस ओ है उसकी जो उसने जो तरह से खोज की है वो कैसे एक देश को मदद कर सकती है These findings can help people to be aware of their duty, make wise choices, and demand for transparency in information related to use of water for all products that they use. ये जो खोज है एक तरह से मदद कर सकती है लोगों को अपनी चॉइस करने में कि किस तरह की चीज़ें वो इस्तेमाल करें उसके लिए ज़्यादा जागरूक हो सक हो सकते हैं और उन्हें एक तरह से पूरा जो वस्तुएं वो खरीदते हैं उनका पारदर्शिता के साथ पूरा जल लेखांकन मिलता है जिससे वो ये तय कर सकें कि कौन सी वस्तु मैंने खरीदनी चाहिए किसमें पानी कम बर्बाद होता है कावल द स्केरसू वाटर ली टू ड्रॉट इन बिजनेस जो पानी की कमी है वो किस तरह से व्यवसाय को भी एक तरह से सूखे का सामना करना पड़ सकता है उस तरह से ऑल द मैनुफैक्चरिंग कंपनीज़ नीड वाटर फॉर प्रोडक्शन इफ़ देयर विल इफ देयर विल बी स्की जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां हैं उन्हें पानी की ज़रूरत है अपने उत्पादन के लिए और अगर पानी कम होगा या इफ देयर विल बी की जगह वी लिखा गया है यू कैन मेक अ करेक्शन और वाटर दैन इट विल ऑल्सो अफेक्ट देयर प्रोडक्शन सो ऑल द प्रोडक्शन कंपनी शुड यूज लेस वाटर अदरवाइज कैस्ट टूर वाटर विल लीड टू डॉट इन बिजनेस सभी जो उत्पादन कंपनियां उन्हें पता है कि पानी की मात्रा जो है कम है तो उन्हें पानी कम इस्तेमाल करना चाहिए यदि पानी की कमी हुई तो वस्तुएँ उत्पादित नहीं हो पाएंगी और जो कंपनियाँ हैं उन्हें भी एक तरह से व्यवसाय में सूखे का सामना करना पड़ेगा लिस्ट द ऑफ विच वी एज रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स कैन कंट्रीब्यूट तो टूवर्ड्स कंजर्विंग वाटर द तो आंसर दिस क्वेश्चन इज द सेम विच हाईव ऑलरेडी एक्सप्लेन बट स्टिल आई है दिस अगेन कि जो आंसर है आपका ये दो क्वेश्चन का सेम ही आंसर है लेकिन फिर भी मैंने इसे दोबारा लिखा है एक्सप्लेनेशन पहले ही की जा चुकी है तो यू कैन चेक इट बट द आंसर इज़ सेम कि आप एक रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न है तो आप पानी कैसे बचा सकते हैं वैसे भी पानी की बहुत कमी है तो हम सभी को पानी जो है कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए इस क्वेश्चन का आंसर भी सेम है कि हमें ऐसे टैप यूज़ करने चाहिए जिनसे पानी कम यूज़ हो और नल बंद करनी चाहिए जब आप ब्रश कर रहे हो शेव कर रहे हो जो गार्डन है उसमें आप पुनर्चक्रण का पानी इस्तेमाल कर सकते हो और जो बारिश का पानी है आप उसे भी बचा के रख सकते हो उसे भी एक तरह से इकट्ठा कर सकते हो उसे यूज़ कर सकते हो विल द वाइंडिंग्स ऑफ द वाटर फुटपिन नेटवर्क हेल्पर्स गिव रीजन्स वाटर प्रिंट नेटवर्क की जो खोज है उसने जो चीज़ें पाई हैं उनसे क्या मदद होगी किसी की इसके आपको कारण बताने हैं द वाटर फुट प्रिंट नेटवर्क एज डेवलप्ड कैलकुलेटर विच कैन हेल्प इंडिविजुअल द वॉटर फुट प्रिंट बेस्ड ऑन देयर लाइफ स्टाइल एंड देयर लोकेशन द कैलकुलेशन आर बेस्ड ऑन द वाटर रिक्वायरमेंट्स पर यूनिट ऑफ प्रोडक्ट एज इन द कंट्री ऑफ रेजिडेंस जो वाटर फुटप्रिंक नेटवर्क है उसने एक तरह से कैलकुलेटर बनाया है जिससे एक निजी तौर पर आप पानी का अनुमान लगा सकते हो उनके लाइफस्टाइल पर और जहाँ वो रहते हैं उसके आधार पर कि उन्हें कितने पानी की आवश्यकता है और उसी के आधार पर गणना की जाती है कि जो एक प्रोडक्ट तैयार किया जाता है उसकी एक यूनिट पर कितना पानी खर्च होता है उस देश में रहते हुए जहाँ उसका निर्माण किया जाता है हाउ विल द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल असेसमेंट मेक द कॉमन मैन अवेयर जो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल है ये एक आम आदमी को किस तरह से जागरूक कर सकता है द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल असेसमेंट विल मेक द कॉमन मैन अवेयर ऑफ देयर ड्यूटी मेक वाइज चॉइस इन डिमांड फॉर ट्रांसपेरेंसी इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू यूज़ ऑफ वाटर फॉर ऑल प्रोडक्ट्स दैट दे यूज यानी उन्हें इस तरह से जागरूक किया जा सकता है कि ताकि उन्हें पता चले कि कौन सी वस्तुएं हैं जो कम पानी में उत्पादित की जा रही हैं ताकि अगर वो अपनी चीज़ों को चुन रहे हैं तो वो उन वस्तुओं का चुनाव करें जिनको बनाने में कम पानी लगता है या कम पानी बर्बाद होता है इस तरह से प्रोडक्ट लाइफ साइकिल एक आम आदमी की भी मदद कर सकती है So, students, I have explained all the question answers of the lesson. What is your water footprint? And I hope you will like this video, and this video will help you. And subscribe my channel for more videos. Thank you.